हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, देखिए भर्तियां जो है हमारी बहुत लेट हो रही हैं। कि पहले यदि हम बात करें आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, 2017 में भर्ती डिक्लेयर हुई थी और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसके बाद आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर मार्च 2018 में भर्ती आई थी, उनका भी अभी तक नहीं हुआ है। भर्तियाँ इतना लेट क्यों हो रही हैं? क्या दिल्ली में बैठे हुए जो अफसरान हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं? एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर्म फिल हो गए, उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक हमारी भर्ती है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती है वो कब होगी? सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ फिजिकल हो चुके हैं, उसके बाद अब रिटर्न होना है। रिटर्न के बाद में क्या होगा? रिटर्न के बाद में ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड के बाद में आपके मेडिकल होंगे, मेडिकल के बाद में मेरिट बनेगी। देखिए दोस्तों, जो भर्ती शुरू हो गई है वो पूरी जरूर होगी। अब आप लोगों का हौसला जो है थोड़ा सा टूटने लगता है जब भर्ती डिले हो रही होती है। अब मुझे क्या करना चाहिए, भर्ती होगी या नहीं होगी? बहुत सारे हमारे साथी देखिए अफवाहें भी फैलाना शुरू कर देते हैं कि भर्ती कैंसिल होगी। ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती स्टार्ट हुई है तो वो भर्ती जरूर पूरी होगी। उससे पहले भी एक भर्ती जो है वो अभी चल रही है प्रक्रिया, वो है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। काफी समय से प्रक्रिया चल रही है, क्यों नहीं हो रही है? देखिए जब भी होगी हो जाएगी। आपका काम क्या है? भर्ती करवाना जो है वो फोर्सेस का काम है, संबंधित फोर्स का काम है, सरकार का काम है। आपका काम है अपनी तैयारी रखना। सपोज कीजिए कि आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अपन बात कर रहे हैं और आप लोग, मुझे पता है कि अभी आप तैयारी जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग उसमें तैयारी में अपना जो है कि कमी कर रखी है आपने, तो आपने अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी है। भर्ती ये सोच के पढ़ना है कि मेरा एग्जाम कल होगा, ये सोच के दौड़ करनी है कि कल मेरा दौड़ होगा, ये सोच के तैयारी करनी है कि कल मेरा मेडिकल होगा। ऐसा नहीं है भर्ती होगी या नहीं होगी आपका काम नहीं है, भर्ती होगी, बिल्कुल होगी। जब जो 2017 में आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती डिक्लेयर हुई थी वो अब पूरी होने जा रही है, उनके ज्वाइनिंग अभी आने वाले हैं। तो 4 साल लग गया, कोई बात नहीं लग गया, लेकिन भर्ती तो पूरी तो होगी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में शुरू हुई थी, 21 में ज्वाइनिंग हो गई। अभी कुछ हमारे साथी उसमें भी रुके हुए हैं इसी वजह से। तो दोस्तों भर्ती स्टार्ट हो गई है, यानी एडवर्टीजमेंट आ गया है, आपने अप्लाई कर दिया है, तो अब आपका काम है अपनी तैयारी करना। आपका काम ये नहीं है कि भर्ती होगी या नहीं होगी, ये सोचना जो है वो सरकार का काम है। सरकार क्या फोर्स के अफसर क्या सोच रहे हैं ये आपका नहीं है काम, आपका काम है अपनी पढ़ाई करना। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ दो तरह की भर्तियां हैं उसमें, एक तो टेक्निकल स्टाफ की भर्ती है और दूसरी है ट्रेड्समैन की। जो हमारे ट्रेड्समैन के साथी हैं उनको क्या पढ़ना है, उनको देखिए एसएससी जीडी वाला जो पैटर्न है वो आप अपना तैयारी रखिए। आपको भी वही मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश वो सब ऑप्ट करना है, लेकिन 50 नंबर का ही आपका ये सब पार्ट होगा। 50 का आपका दूसरा पार्ट जो है उसमें आपको संबंधित ट्रेड के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। मुझे ट्रेड में क्या पढ़ना चाहिए? सफाई कर्मचारी जो हैं हमारे, उनके लिए आज एक नया क्वेश्चन बनने जा रहा है कि आज स्वच्छ भारत अभियान 2 मिशन की शुरुआत हो रही है, पुराना स्वच्छ भारत अभियान भी आपको पढ़ना है। क्या पूछा जाए, कैसे पूछा जाए? सफाई कर्मचारी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुक से भी रिलेटेड हैं। हाइजीन और साफ सफाई का काम जो है वो कुक का भी है, वाटर कैरियर का भी है, वॉशरमैन को भी कुछ चीज़ें उसमें ध्यान रखने वाली हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन जो है उस पर कुक के, सफाई कर्मचारी के, मसालची के ये क्वेश्चंस उस पर अवेलेबल हैं। कुछ हमारे साथियों ने पूछा बार्बर में किस तरह के क्वेश्चन, बार्बर का देखिए यहाँ पर ट्रेड नहीं है, लेकिन जो हमारे एसएसबी ट्रेड्समैन के जो दोस्त बार्बर से अप्लाई किए हैं उनको जब ट्रेड टेस्ट होगा उस समय उनको बार्बर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी उनको पूछे जाते हैं ट्रेड टेस्ट में। 15 नंबर का उनका जो ट्रेड टेस्ट का जो 15 नंबर का जो पार्ट होता है वो उनका नॉलेज, ट्रेड से रिलेटेड नॉलेज। फिर वही बात आ जाती है एग्जाम कब होगा।
तैयारी हो नहीं रही है, मन नहीं लग रहा। देखिए मन लगाइए अपना और ये समझ के पढ़ाई करनी है कि मेरा एग्ज़ाम कल है, कल मैं एग्ज़ाम, यानी आज आधी रात में भी ये बता दिया जाए कि आपके एग्ज़ाम कल है, आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी 10 दिन का समय मिले, 15 दिन का मिले, आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और आप लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, अब क्या करूँ कैसे करूँ। तो दोस्तों पूरी ताकत लगा दो, ठान लो कि मुझे CRPF पैरामेडिकल का वर्दी जो है वो मुझे बिल्कुल हर हाल में पाना है। जय हिंद।